हेलो। तो वापस अपन लाइव आ चुके हैं और लाइव मैं वापस से उसी रीजन के आया हूँ जिस रीजन की वजह से मैं लास्ट टाइम लाइव आया था थोड़े दिन पहले। मतलब वो है कि वहीं की डेली अपडेट नंबर 5 देने के लिए। तो सबसे पहले तो तुम आ जाओ, उसके बाद में अपन बातें कंटिन्यू करेंगे। हाय मिसिंग डायरीज, बहुत ही अमेजिंग नाम है तुम्हारा, योगिनी स्केप। हाय योगिनी स्केप। हेलो जूही जैन। हेलो नेहरा छाबड़ा। हाय डी डब्ल्यू आई जी द्विज। DWIG क्या बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ मतलब सॉरी। VSV स्मिता। हाय सृष्टि वर्मा। हेलो वंशिका। हेलो अमन लाहौटी। हाय चिराग जैन। हेलो यश पांडे। हेलो तुषार राठौर। हेलो गरिमा बाहेते। हेलो प्रिया मिश्रा। प्रेरणा कोटक करी हाउ आर यू। मैं एकदम अच्छा हूँ प्रेरणा कोटक, हाउ आर यू। हेलो किरण चोपड़ा। हेलो समीर माही। JMWL माही। अरे दो दो माही। हाय माही माही माही। हाय जैन चित्रांश। हे MNV कटियाल। हेलो उर्वशी प्री। हिमानी पटेल। हेलो हेलो राज खरोल। गौरी गोला कह रहे कैसे हैं, मैं एकदम अच्छा हूँ। हाय फ्लफी कैंडी रेड। हेलो इंस्टा किंग SRB। हाय नैना थापा। और सयाली कह रहे फिर मुझे दिल से पुकार तू। फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू। पर अभी अपन फिर मुझे दिल से पुकार तू या कब के या किसी और सॉन्ग की बात नहीं करेंगे। अभी अपन बात करेंगे वहीं के डेली अपडेट नंबर 5 की। और उसके लिए यार ये पहले अब तुम ठीक है तो तुम सब लाइव आ चुके हो यार, बढ़िया लग रहा है। बताओ चलो अब तुम आ ही चुके हो तो अब तुमको वहीं की डेली अपडेट नंबर 5 बता देता हूँ। वो ये है कि अपन वेट कर रहे हैं अभी भी। जैसा मैं तुमको कल की अपडेट में बताया था ना कि अपन ने वीडियो में एक दो चेंजेस थे वो करवाने थे। और सृष्टि यार सच बताऊं तो अभी मेरी अपडेट देने की इच्छा नहीं है। अभी मैं तुम सब ऐसे कमेंट करना तो मेरी तुम्हारे से बात करने की इच्छा है। वैसे तो मैं सिर्फ मतलब अपडेट देने के लिए आया था। और यार ये बाल बड़े अजीब से हो गए, कोई बात नहीं तो अपडेट मैं बाद में दूंगा। पर पहले यार तुम सबसे बात करना चाहता हूँ। मयूरी बता ले कह रहे वहीं, तो बताओ एक बार कैसे हो तुम सब, एक बार बस बता दो, फिर उसके बाद में अपन अपडेट करेंगे। लेकिन पहले अभी थोड़ी देर में तुम सबसे बातें करना चाहता हूँ। तो भारती हर्षल कह रहे हे हे मयूरी वडाली। हे शरद सैमसन। RK सोनू। हे सिद्धार्थ। हेलो लुबना स्विम। गौरव उपाध्याय कह रहे हैं और एक गाना प्लीज, टॉक टू अस प्लीज बंसल साक्षी। हाँ यार मेरी पता है। सौरभ कह रहे रहने दो बालों को अच्छे ही लग रहे हैं। अरे यार थैंक यू भाई। और जयंत चित्रांश कह रहे गर्मी में परेशान है भाई साहब, जयपुर में तो भाई तगड़ी गर्मी है। यहाँ पे भी है वो तो, लेकिन खैर जयपुर की तो बात ही अलग है गर्मी के मामले में, क्या ही कहें। तो हाय नेहा जैन। हेलो नितिश सिंह। प्रिंस मंटू कह रहे न्यू सॉन्ग प्लीज सुनाओ। न्यू सॉन्ग तो सुनाऊंगा। अरे ध्रुवेश पटेल हाय ब्रो। ध्रुवेश पटेल अपने बहुत ही शानदार सिंगर दोस्त है और मैं इनको यूट्यूब फेस्ट में मिला था। यूर पीयूष कह रहे हैं स्मार्ट बॉय। अरे वाह यार You're looking stunning away, यार। ये तो मेरे को लग रहा है जोकर की तरह हो गया यार बाल। कोई बात नहीं, क्या बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं ना। और मेरे को क्या इच्छा है अभी थोड़े टाइम लंबे करने की, हो सकता है वो इच्छा कल ही कल बदल जाए और मैं कल पूरे काट कर आ जाऊं। तो मेरी क्या इच्छाएं बदलती रहती हैं। क्या यार ये बड़े अजीब है। और सबसे शानदार बात है कि जब आप सेल्फी वीडियो आप कर रहे होते ना तो आपको आपको इच्छा करती है कि सब कुछ सेट हो जाए। आई एम आयुष धदीच कह रहे हैं एट डागा फैमिली। मतलब आप क्या डागा फैमिली, मैंने शो किया था एक डागा फैमिली के लिए कहाँ पे, भीलवाड़ा में। उर्वशी प्रेगर व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग। ठीक है तो अब मैंने ना अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अपडेट देने के लायक हो चुका हूँ। अब मेरा दिल मान रहा है, कह रहा है कि हाँ चलो अपडेट दे देता हूँ पहले आप सबको। तो वहीं क्या है जिनको नहीं पता उनको बताना चाहता हूँ। वहीं अपना नेक्स्ट आने वाला स्टोरी सॉन्ग है जो अपने यूट्यूब चैनल पर आने वाला है। और
स्टोरी सॉन्ग के बारे में अगर नहीं जानते जो लोग, तो वो क्या है, अपन अपने अपन सॉन्ग लिखते हैं, अपन सॉन्ग बनाते हैं, वी क्रिएट आवर ओन सॉन्ग्स, और जितने भी सॉन्ग अपन बनाते हैं ऑलमोस्ट सबके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो क्रिएट होते हैं. तो वहीं भी अपना आने वाला एक स्टोरी सॉन्ग है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, उसके सॉन्ग तो खैर है ही लेकिन उसके पीछे भी एक स्टोरी है. तो आज अपडेट ऐसी है कि मेरे को सिर्फ अपडेट से काम नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि कल की अपडेट में मैंने आप सबको बताया था कि वीडियो फाइनल आ चुका था मेरे पास में, रिया ने मुझे फाइनल वीडियो सेंड कर दिया था, पर उसमें कुछ चीजें थी जो मुझे सही नहीं लगी, मुझे चाहिए थी कि वो चेंज हो जाए. तो वो चेंज करवाने के लिए अपन को थोड़े से दिन लगेंगे, और वो चेंजेस होने के बाद में फिर वीडियो फाइनल होगा और फिर अपन बाकी सारी चीजें कर सकते हैं. अच्छा, जनरली क्या होता है, बस वीडियो पूरा बन जाता है और आप सबके पास में एक डेट आती है, आप सबको कोई दिक्कत नहीं होती है ना, कुछ पता चलता है आगे पीछे की कहानी. लेकिन मैं चाहता था कि मतलब ये जो प्रोसेस बन रहा है ना, इस प्रोसेस का आप सब पार्ट बने, इसलिए मैं चाहता था कि डेली अपडेट्स मिले आप सबको कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या क्या परेशानियां आती हैं जब आप वीडियो बनाते हो. ऐसे नहीं होता कि आपके पास में आ जाओ और आप उससे हैप्पी हो. नहीं, अभी जैसे मेरे पास जो फाइनल वीडियो आउटपुट आया उसमें मैं थोड़ा कुछ चेंजेस चाहता था मैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि प्लीज आप ये सब चेंजेस कर दीजिए. उसके बाद में वापस से उस पर वर्क हो रहा है, रीवर्क हो रहा है. एक बार तो ऐसा भी होता कि तुम सबको पता नहीं, लेकिन वहीं जब शूट हो गया था ना, मैं लाइव गया था उस दिन, शूट वाले दिन, उसके एक महीने बाद वापस से उसमें रीशूट भी हुआ था कुछ चीजें. मतलब वापस से आपको शूट करनी पड़ती है अगर कुछ चीज आपको पसंद नहीं आती है, तो वो सब भी हुआ था. तो मेरी क्या इच्छा थी यार कि तुम सबको मैं मतलब इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनाऊं, इसलिए मैं चाहता था तुमको डेली अपडेट्स दूं. ऐसा नहीं कि हाँ वीडियो बन गया है तो अब तुमको बता रहा हूँ कि हाँ भाई 7 days to go, 6 days to go, वो तो करना ही है. लेकिन मैं चाहता था कि मतलब मेरी इच्छा थी तुम सब और फैमिली है यार, क्योंकि साफ सी बात है, देखो अब मेरा कुछ अकेले का नहीं, जो भी है अपना है, तो साफ सी बात है अपना काम है, तो अपन को मतलब सारी चीजें पता होनी चाहिए, और मेरी इच्छा थी तुम सबसे शेयर करने की, तो इसलिए मैं कर रहा था. तो ये बात है तो डेली अपडेट की, तो डेली अपडेट यही है कि अपन कल की तरह, कल अपन ने रिया को चेंजेस के लिए बोला और अपन चेंजेस का वेट कर रहे हैं, और लेट्स सी वो चेंजेस कब होकर आते हैं. जैसे ही आते हैं तो मैं नेक्स्ट अपडेट दे पाऊंगा, पर आज खाली हाथ नहीं जान दूंगा. जिन लोगों ने भी वेट किया है कि डेली अपडेट देगा मोहित, तो उनको आज डेली अपडेट के साथ में एक मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ. गिफ्ट मतलब एक इनसाइट, वही जो अपना आने वाला स्टोरी सॉन्ग है उसका, तो वही के बारे में आप अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप फ्री हैं क्वेश्चन पूछने के लिए. नहीं पूछना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ इनसाइट्स बताना चाहता हूँ कि वहीं कैसे बनाया, मतलब क्या इसके पीछे इंस्पिरेशन थी रियलिटी में. तो मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था, और एक मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो मेरे को इंस्पायर करते हैं उनके लिए लिखने के लिए, मेरे जितने भी सॉन्ग. जैसे कपकेक आपने सुना होगा, तो कपकेक एक मेरी लाइफ में मेरी बहुत प्यारी दोस्त है आयुषी, तो मैंने उसके लिए कपकेक बनाया था क्योंकि उसने मुझे इंस्पायर किया था. तो मेरे को ऐसे कुछ कुछ लोग हो या कुछ कुछ पर्सनालिटीज बहुत ज्यादा म्यूजिकली इंस्पायर करती हैं कि मैं उनके लिए सॉन्ग्स लिखूं, उनके लिए क्रिएट करूं. उनमें से एक है जिसका नाम है आन्या. तो मेरे को आन्या की याद से आ रही थी, है ना. तो मैं और मेरे सारे दोस्त लोग ऐसे साथ में बैठे हुए थे, और एकदम से आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग हर, तो मिसिंग हर एक्चुअली. तो ऐसे सब दोस्तों के साथ में बैठा बैठा और एकदम से दिमाग में एक आवाज आती है कि दिल तो वहीं है, वहीं दिल तो वहीं है. वहीं होता है ना कभी कभी कि आप किसी जगह पर होते हो पर आप उस जगह पर होकर भी वहां पर नहीं होते हो, मतलब यू आर लॉस्ट इन योर ओन थॉट्स, इन योर ओन वर्ल्ड. तो ऐसा हुआ था कि मेरे को उसकी याद आ रही थी आन्या की, और फिर मेरे मन से ये आवाज उठी कि दिल तो वहीं है वहीं, और मैं सारे दोस्त लोग मेरे साथ में बैठे हुए थे, और मैं एकदम से उठता हूँ. ऐसा उठना नहीं चाहिए बिना वाले दोस्तों के साथ में, यार सब मजे कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और मैं एकदम से उठ जाता हूँ बिना कुछ बोले, और चला जाता हूँ अपने रूम में, खुद को लॉक कर लेता हूँ 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे बाद वही सॉन्ग पूरा प्रिपेयर होके पूरा लिखा के, और फिर मैं उनको सुनाता हूँ. तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है आकर्ष, उसने ये गाना सुनने के बाद बोला था कि मोहित तो मैंने तेरे सारे सॉन्ग सुने पर ये मेरा मतलब ये सबसे फेवरेट सॉन्ग हो चुका है मेरा. तो उसको बहुत पसंद आया. मैंने जब बनाता हूँ ना सॉन्ग्स एक्चुअली, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या बन गया है, ठीक है नॉर्मल सा गाना है, लेकिन जब लोग फीडबैक देते हैं ना मुझे कि ये ऐसा ही ऐसा, तब मुझे ऐसा लगता है हाँ यार मतलब वाकई में कुछ अच्छा है, या मतलब कुछ वर्थ इट है. तो तब जब उसने ऐसा बोला ना, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि आकर्ष वो इंसान है जिसने शायद मेरी लाइफ में मेरे सबसे ज्यादा गाने सुने होंगे और मैंने उसके सबसे ज्यादा गाने सुने होंगे.
आकर्ष ने अराउंड 1000 सॉन्ग्स बना चुका है वो, मैं अराउंड अभी 600-700 चल रहा है मेरा भी स्कोर, लेकिन आकर्ष के तो 1000 से ऊपर सॉन्ग्स है। मैंने उसके चक्कर में मतलब गाने लिखना और अच्छे से स्टार्ट किया। वो मेरी इंस्पिरेशन है, वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत कुछ है यार मेरे लिए लाइफ में। तो आकर्ष ने जब ये बोला ना कि उसको ये मेरे सब सॉन्ग्स में से सबसे अच्छा उसको लगा, तो मैंने कहा भाई साहब मतलब ये तो कुछ कमाल ही बन गया आज। तो फिर ऐसे यार अपना गाना तू गाले आने वाला था, पर गाना तू गाले किसी वजह से नहीं आ पाया उस टाइम पे। तो मैंने सोचा यार वहीं को अपन रिलीज करते हैं, तो वहीं पर मैं वर्किंग चालू कर दी। तो ये वहीं की स्टोरी थी कि मैं चाहता था कि आज अगर अपडेट पूरा अच्छे से नहीं दे पाऊं तो मैं आपको कुछ इनसाइट दूं वहीं की स्टोरी के बारे में। तो ये वहीं की असली स्टोरी थी, और ये गाना मैंने आन्या के लिए बनाया है, और ये बस ये शेयर करना था तुम सबसे। अब तुम बताओ तुम सब कैसे हो। क्लिशी चिक्स यार बड़ा बढ़िया नाम है तेरा, क्लिशी चिक्स। प्रिंस मंटू, हेलो प्रिंस मंटू का तो कमेंट भी मुझे याद है, इन्होंने कहा था शायद कि एक गाना सुना दो, ऐसा कुछ कहा था आपने नहीं। और सनिका कुल्ठे कह रही मोहितू मस्त नाम है यार। मेरे को मेरे कॉलेज वाले दोस्त मूगली कहते थे, मेरे बाल थोड़े वैसे रहते थे अजीब से बिखरे। स्तुति हेलो दोख तो खास। तान्या कह रही है एक्साइटेड फॉर वहीं, मी टू यार, मेरे को मतलब बहुत इच्छा यार। मेरे को पता है सबसे तुम्हें पता नहीं होगा एक बात, अच्छा कि जब कोई गाना बनता है ना, मेरी सबसे पहले ऐसी इच्छा नहीं होती कि वो उसका वीडियो बनता हुआ देखूं। मेरी सबसे पहले इच्छा होती है कि यार अच्छा अब मैं अगर इस गाने को रिलीज कर दूंगा तो मैं कॉन्सर्ट्स या लाइव शोज में गाना गा सकता हूँ लोगों के सामने। तो इसकी मुझे ज्यादा वो कहते हो ना चूल लगती है मेरे को इस बात की यार, कि मैं कब अपने गाने लाइव कॉन्सर्ट्स में गाऊं वो वाला गाना, वो वाला ओरिजिनल सॉन्ग, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है यार ऐसे लाइव सुनाना लोगों को, मतलब बहुत ज्यादा। तो प्रियो कह रहे हैं प्लीज वन सॉन्ग, क्यों मैं आपको वहीं सुनाता हूँ ना, वहीं की मैं तो हजार बार भी कहोगे वहीं सुनाने के लिए तो मैं वहीं सुना सकता हूँ इतनी बार। तो वहीं का लाइन सुनाता हूँ मैं कि हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं, हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं, जिस जगह तू होता है, जहां कांधे पे मेरे सर रख के सोता है, हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं, हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं, हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं, हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं। मैंने थोड़ा स्केल ऊपर ले ली इस गाने की, जबकि ओरिजिनल इतनी ऊंची नहीं है, पर क्या अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना तो मैं स्केल नहीं ले सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन हाँ गाना ये है कि हाँ मेरा दिल तो वहीं है वहीं। और पंकज कह रहे नाइस सॉन्ग ब्रो, थैंक यू पंकज। अभी तो ये आया नहीं है, जब आएगा तब आप बताना कैसा लगा। जितेश बीट बॉक्स कह रहे वहीं। डाक कह रहे प्लीज सिंग फिर मुझे दिल से पुकार तू। इस इश्क में मैं हूं नया, आकर मुझे सलीके से खा, बहता रहूं तेरी मौज में, तू सांसों के सफीने चला, कश्ती में पतवार तू आले चल सुपार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू, फिर मुझे दिल से पुकार तू, कह दे मेरा एक बार तू, तेरे जैसा मैं बन जाऊंगा, हौले हौले थोड़ा सा सुधार तू, ऐसा मस्त। हाँ यो तौशिक फुलवारिया, हाय तौशिक फुलवारिया। वेदू परिहार कह रहे लव यू लव यू लव यू, आई लव यू टू यार।
तो बस मतलब ऐसी सी बात है यार। अरे मोहित 612 का कमेंट आया, अरे मोहित 612 यार आपकी डीपी तो एकदम मेरे मतलब आपकी शक्ल मेरी शक्ल तो बड़ी सेम सेम सी लग रही है। वाह सांचेस फोटोग्राफी ने वेव किया है, हाय। तो अंजलि कुमारी कह रहे हैं ऑसम वॉइस, थैंक यू यार। जयेश कह रहे हैं, जयेश कोठारी कह रहे हैं हम सफर सॉन्ग प्लीज, मुझे अच्छे से आता नहीं है ब्रो, नहीं तो मैं पक्का गाता आपके लिए हम सफर। धनाश्री मुनावत कह रहे हैं प्लीज बाहर कपकेक सुना दो। जिंदगी जिंदगी में जिंदगी का स्वाद है, चक्के देख ले कैसा राज है, जब से तू आई है मेरे साथ में उल्टा साला सीधा हर हिसाब है, कि तेरी धड़कनों की थम में मैं भी साज दूं, हल्का हल्का मेरा मेरा एहसास दूं, कि तेरी धड़कनों की थम में मैं भी साज दूं, हल्का हल्का मेरा मेरा एहसास दूं, दोस्ती सब पे भारी नंबर एक है, मेरा प्यारा दुलारा कपकेक है। तो ये थी कपकेक। और नैनी जी कह रही है प्लीज मेरा नाम लीजिए ना एक बार, हाय नैनी। नैनी जी प्रेरणा कह रही यू आर नॉट सीइंग माय कमेंट्स, आई जस्ट सॉ योर कमेंट्स राइट नाउ, कमेंट राइट नाउ। शेफाली डागा सॉरी। स्मार्ट अंत्युन स्मार्टी अर्जुन कह रहे हैं स्मार्टी अर्जुन, हाय स्मार्टी अर्जुन। सनिका कोल्टे कह रहे मार ही डालो आप बस आ। काला यश मोहित भाई कैसा है यश तू? यश मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, हम सबसे पहले मूड इंडिगो में शो करने गया था तब हम मिले थे, इसने मेरे को खुद की कैप भी गिफ्ट करी थी उस टाइम पे, उस पर स्वैग लिखा हुआ था, ऑरेंज कलर की कैप थी वो अभी भी मेरे पास में। और झल्ली प्राप्ति कह रहे हैं कल एग्जाम ची एनी टिप्स, कल एग्जाम छे एनी टिप्स, आपका एग्जाम है तो और क्या टिप दूं, पढ़ लो यार मस्त अच्छे से। मैं पता कैसे एग्जाम पढ़ता था, मतलब मैं तो क्या म्यूजिक ज्यादा था ना मेरी लाइफ में, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है राजनंदिनी कश्यप, उससे मेरी थोड़े दिन पहले बात हुई थी, वो क्या साइंटिस्ट बन गया अब, और मैं करता था बायोटेक इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग का कोर्स करा था मैं। तो फिर होता क्या था, अपनी जो नंदिनी है ना अपनी बेस्ट फ्रेंड है, अपनी बहन है, मतलब अपनी डार्लिंग है वो, तो नंदिनी अपनी क्लास की टॉपर, मतलब क्लास की तीनों टॉपर, नंदिनी ओशीन और अक्षय, अपन तीनों अपने खास खास हम खास एकदम। तो है ना, और मैं क्या है एवरेज स्टूडेंट, मतलब डफर भी नहीं लेकिन एवरेज, मतलब मैं पासिंग मार्क्स ले आता था और बाकी म्यूजिक में अपना बहुत तगड़ा फोकस था, कि यहाँ जब भी टाइम मिले घुस जाओ किसी एक कमरे में खोपचे में, वहां पे बैठकर गाने बनाओ। गाने बनाना मुझे बहुत पसंद है, गाने गाना तो पसंद है लेकिन गाने बनाना तो मतलब हद से ज्यादा पसंद है मुझे, तो गाने बनाने में बड़ा मजा आता है मुझे यार। तो हाँ फिर हुआ क्या, तो मैं कॉलेज के एग्जाम होते ना, तो मैं इस भरोसे रहता था कि यार नंदिनी और मैं साथ में चांदी की टकसाल, हमारे जयपुर में एक जगह है जहाँ से शाहपुरा डिपो बस जाती है, मतलब गवर्नमेंट बस जाती है, लाल डब्बा भी कहते हैं हम उसको, तो लाल डब्बा जाती थी। तो लाल डब्बे में बैठ के फिर हम जाते थे कॉलेज में मस्त। तो अब वो सफर होता था अराउंड 45 मिनट्स का, और 45 मिनट्स में मैं नंदिनी को कहता था कि नंदू मुझे जो भी कोर्स में तुझे लगता है ना कि मेजर मेजर टॉपिक्स है वो सब पढ़ा दे, और 45 मिनट्स में एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह मेरे को ऐसे हर बार बोलती थी कि है ना, मतलब अब यार मोहित तो कुछ भी पढ़कर नहीं आया क्या इस बार भी, और मैं कहता नहीं पढ़कर आया तू पढ़ा दे। तो है ना वो जो रास्ता होता था घर से कॉलेज तक का, वो 45 मिनट या एक घंटे के सफर में वो मेरे को जितना हो सकता उतना पढ़ा देती थी, और मेरे मार्क्स आ जाते थे पासिंग मार्क्स। एक बार तो ऐसा तगड़ा हाल हुआ था ना कि बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट था जबकि नंदिनी टॉपर थी, और मैं तो उससे पढ़ने उससे मतलब 45 मिनट या एक घंटे में पढ़ने वाला स्टूडेंट था उसका छोटा मोटा, और है ना बायोकेमिस्ट्री में मेरे नंदिनी से ज्यादा मार्क्स आ गए। तो मतलब ऐसी ऐसी हो गई थी ना कि भाई तेरे कैसे मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, तेरे को तो मैंने पढ़ाया और तूने तो मतलब, तो मेरे को तो आज तक खुद को चमत्कार नहीं पता कि मेरे उस सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा आ कैसे गए, जबकि मैं ढपोल हूं केमिस्ट्री में, मैं वाकई में वाहिया ढपोल हूं केमिस्ट्री, मतलब मेरा बस की नहीं है। मुझे फिजिक्स मैथ्स और बायोलॉजी बहुत पसंद था, मेरे को लिटरेचर हद से ज्यादा मेरा फेवरेट, हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर तो मतलब मेरे मतलब चहेते सब्जेक्ट बचपन से, क्योंकि उसमें कहानियां और वो पोएट्री होती थी ना, मुझे वो पढ़नी बड़ी मस्त लगती थी। तो है ना मेजरली मैं वही पढ़ता था, और मैथ्स बायोलॉजी और फिजिक्स मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे इंग्लिश और उसके अलावा।
लेकिन केमिस्ट्री तो भाई दूर दूर तक अपना नाता नहीं था, और अपने कैसे मार्क्स आ गए उस टाइम मुझे खुद को समझ में नहीं आता, लेकिन आ गए। तो हाँ, मैं ऐसा एग्जाम में पढ़ता था, जरूरी नहीं आप ऐसा पढ़ो, प्लीज ऐसा मत करना, रिस्क मत लेना, आप जितना हो सकता है उतना ज्यादा बढ़िया से पढ़कर जाओ और मस्त यार करके आ जाओ, सब बढ़िया है। अनु एस जी, हेलो प्रज्ञा, हेलो निखिल, सरवान, आयुषी यादव कह रहे टीचर को कपकेक सुना दिया था क्या? नहीं यार, टीचर को तो मैंने एक सॉन्ग सुनाया था, लैब इज सो बोरिंग। हमारे सर थे विनोद 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 गौड़ सर था वो हमारे, और है ना, उनको मैंने एक गाना बनाया था मैंने लैब में। अब मैं क्या बायोटेक्नोलॉजी से हूं ना, तो हमारे लैब वर्क बहुत होता है, तो लैब वर्क होता था, तो लैब में बैठे बैठे मैं कई बार बोर हो जाता था, और गाने तो बनाता ही था मैं, तो मैंने गाना बनाया था लैब इज सो बोरिंग, तो वो मैं मेरे सारे दोस्तों को बहुत सुनाया मैंने। और वो एक बार किसी हमारे सर को कोई ओरिजिनल गाना सुनाया तो वही सुनाया था मैंने विनोद सर को। हम सब दोस्त लोग विनोद सर को एक बार पूछे थे, सर आपको चला है ना मोहित गाना सुनाएगा सर आपको तो विनोद सर को मैंने ये सुनाया था लैब इज सो बोरिंग। द कूल बॉय रेहान कह रहे हैं प्लीज अजमेर आ जाओ भाई, आई होप मैं आऊँ ना राजस्थान में, तो मैं सबसे पहले जयपुर ही आऊंगा भाई, मेरे मॉम डैड के पास मैं रहूंगा, जितना ज्यादा हो सकता है उतना रहूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, अभी वहीं अपन को अच्छे से करना, और भी कुछ बहुत सारे सॉन्ग और बहुत सारी चीजों पर वर्क कर रहे हैं अपन, तो ऐसा सब चल रहा है और बड़ा मजा आ रहा है। आज रक्षिता का कमेंट आया है यार, कैसी यार रक्षिता यार, ये तो अपनी डार्लिंग हो गई, मतलब रक्षिता भी अपनी, मैं इससे अभी रिसेंटली मीट एंड ग्रीट सेशन में मिला था, और बहुत प्यारी बिंदास मतलब दोस्त है अपनी है, मैं लौंडिया कहने वाला था पर क्या है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना, बिंदास छोरी यार अपनी बढ़िया दोस्त है। तो है ना श्रे 9413 कह रहे रिप्लाई करो, बोलो यू लव मी और नॉट, बोलो यू लव मी और नॉट, कैसा सवाल पूछ लिया ये आपने, बताइए आपने यार, तुम सब प्यारे हो यार, सब के सब अपन क्या फैमिली है अपन शानदार। और प्रज्ञा कह रहे हैं मिलो तो हम भी थे पर भूल गई, मेरे को ऐसे याद नहीं आ रहा प्रज्ञा, आपकी डीपी में भी क्लियर नहीं है, अगर आपकी मेरे को शक्ल याद होगी तो पक्का ना हम मिले तो होंगे यार, मेरे जनरली याद तो रहता है, खैर लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ क्या बोल रहा हूँ, हाँ मतलब समझ जाओ ऐसा कुछ। तान्या गिरी 9-2 निक हंसने का, चिक्की कह रही है सॉन्ग, चिक्की 74 कह रहे हैं सॉन्ग विद सॉन्ग ब्रो। विनी कोठारी कह रहे हैं तो हाँ हेलो, और बस यार देखो अभी मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं आपको अपडेट बताऊं, अपना जो डेली अपडेट है वो मैंने बता दिया फाइनली, और बस यही बात थी यार, और तो खैर मेरी इच्छा थी तुम सबसे बात करने की तो वो भी कर लिया मैंने, और अब मैं जाता हूँ, और प्लीज टेक केयर यार, मेरी जाने की इच्छा नहीं कर रही यार, पता नहीं क्यों होता है मेरे साथ में कभी कभी, ऐसा नहीं होती, थोड़ी देर रुकता हूँ यार मैं, थोड़ी देर अपन और बातें करते, तुमको कुछ भी पूछना हो ना तो तुम पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी पूछ सकते हो बिंदास, सब चलता है अपन को। अंजलि कलवा कह रहे हैं एक बार तो नाम ले लो अंजलि, आदि 9270 कह रहे हैं अदिति सिंह हाय अदिति, चिक्की कह रहे हैं दिल दे यंग अलना प्लीज। दिल दिया गल्ला करांगे रोज रोज बैके अख नाल अख नू मिला, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके सच्चिया मोहब्बत निभा। अमूर्या जैस कह रहे हैं सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, ओ सजना तेरे बिना, सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, ओ माहिया तेरे बिना। ताने गिरी मुंह मुंह के धागे, अरे यार मेरी माँ सॉन्ग गा दो बातें करते हैं ना यार, सॉन्ग तो मैं गाता रहता हूँ, देखो मेरी इच्छा हो गई अभी तुम सबसे बातें करने की, तो अगर थोड़ा बहुत बातें कर लेते अपन, क्या बोलते हो, कुछ भी तुमको पूछना हो ना एक्स वाई जेड, कुछ भी कोई बात हो, कोई भी क्वेश्चन हो तुम बिंदास पूछ सकते हो, क्योंकि मैं वाइवा देने में ना बहुत शानदार हूँ, मतलब अब बायोटेक की बात हुई है तो मैं तुमको बताई दो, वाइवा अपना बिंदास देते थे, कुछ पढ़कर नहीं जाते थे, नंदिनी जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ा दिया, और वाइवा पर एकदम शेर की तरह, यू नो मतलब
सर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे एक्सटर्नल आते जाता है, तो एक्सटर्नल टीचर जी जो भी पूछेंगे अपन बिंदास कुछ भी बोल देंगे, मतलब बस बोलना होता था मुझे। उन्होंने कोई टॉपिक दे दिया ना, उसके बारे में मुझे जिंदगी भर, मैंने कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं उसके बारे में धड़ 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 बोलता जाऊंगा जब तक वो मेरे को रुकने के लिए नहीं कह देंगे, हाँ बस बहुत हो गया बेटा तेरे को नहीं आता, लेकिन हाँ तूने बोल दिया। और फिर मेरे को मार्क्स मिल जाते थे, मतलब मेरे को क्या बस पास होने से मतलब था यार। मैं म्यूजिक का क्या थोड़ा ज्यादा अपना म्यूजिक लाइफ में था ना, तो मैं पास होने पे अपना ज्यादा फोकस रहता था पढ़ाई के चक्कर में। तो अभी ये बात है, जांगिड़ कह रहे भाई वहीं की अपडेट, तो वहीं की अपडेट यही है ब्रो कि अपन ने अपनी टीम को कहा कि उन्होंने वीडियो फाइनल जब अपन को दिया था कल, तो अपन ने उनको बोला कि प्लीज इसमें थोड़े बहुत चेंजेस और हैं तो आप वो चेंजेस कर लीजिए, और उसके बाद में फिर अपन जब वो चेंजेस करके वापस आ जाएंगे अपने पास में, तो अपन फाइनल फिर कॉल ले सकते हैं कि रिलीज डेट कब करना है। जो भी होगा जैसे भी होगा तुम सबको तो मैं अपडेट करने वाला हूँ। देखो अगर 5 दिन मैंने कोई चीज कंटिन्यू कर ली है ना, इसका मतलब मैं 6ठे दिन भी करने वाला हूँ, 7वें दिन भी करने वाला हूँ, उसको कंटिन्यू रखने वाला हूँ। मतलब मेरे लिए कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है लेकिन मैं करता हूँ। तो अभी 5वां दिन है, अभी लगातार वहीं की अपडेट को एक बार भी मिस नहीं किया मैंने, तो वहीं की अपडेट आपको डेली मिलती रहेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि यार वहीं सॉन्ग आपको मतलब पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉन्ग है यार, अच्छा सॉन्ग है, मुझे पसंद है। तो हाँ अब मुझे ऐसा लगता है अब अपन जा सकते हैं, अब सोने जा सकते हैं, रेस्ट करने जा सकते हैं। आप भी प्लीज टेक केयर, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव, और प्लीज वेट कीजिए वहीं आने वाला है। अगर आपने नहीं किया तो अपना यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जल्दी वहीं की अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और जल्दी वहीं भी मिल ही जाएगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। और एक बात मैं उससे बताऊं शानदार सी, कि मजे करो यार, और बहुत बहुत सारा प्यार है आप सबको। आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव, एंड प्लीज टेक केयर, गुड नाइट। सानू एक पल चैन ना।